नमस्कार, युग्मपथ YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 370 का हटना, उसके बाद ट्रिपल तलाक का हटना और फिर राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट द्वारा साफ रास्ता दिखाना और अब देश में CAA लागू हो जाना। नरेंद्र मोदी सरकार के ये चार ऐसे फैसले जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार चर्चा का विषय बनी हुई है और आज पूरे देश के युवा, देश के हर एक नागरिक को ये जानना अत्यावश्यक है कि वास्तव में CAA क्या है, जिसको लेकर आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल हैं। आइए जानते हैं CAA यानी क्या। सबसे पहले हम जानेंगे CAA यानी कि एक ऐसा नागरिकता संशोधन कानून जो अब देश में लागू हो चुका है। जी हां, ये बात उनकी है जो भारत से जुड़े तीन पड़ोसी देश हैं जिसमें रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ऐसे लोग जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं लेकिन अभी भी उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। ये कानून उनके लिए एक सम्मानजनक नागरिकता देने का कानून है। ये कानून क्या वास्तव में किसी की नागरिकता को छीनेगा? ये कानून मुस्लिमों के लिए क्या वास्तव में हानिकारक है या ये एक षड्यंत्र है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो आपको सीधे सीधे बता दें, सरकार की ओर से ये साफ कहा गया है कि ये कानून किसी की नागरिकता को छीनने का नहीं बल्कि किसी को नागरिकता देने का है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपकी नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि जिनकी नागरिकता नहीं मिली है, जिनको किसी कारण से नागरिकता अभी तक नहीं मिल पाई है, तो मोदी सरकार का ये फैसला उनको सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए एक बहुत विशेष है और उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून लागू किया गया है। ऐसी तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए युग्मपथ YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।